दिल्ली में संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर संसद में आज पीएम मोदी जवाब देंगे, लोकसभा में यहां पर पीएम मोदी जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष यहां पर हंगामा कर सकता है। छठा दिन है सत्र का, जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उठा सत्र में, साथ ही साथ एक रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दान भी दिया गया। और आज छठे दिन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर संसद में यहां पर पीएम मोदी जवाब देंगे, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो सकता है, हंगामा कर सकता है। क्योंकि देखिए, विपक्ष के पास इस वक्त मुद्दों की कमी नहीं है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी है, ऐसे में विपक्ष यहां पर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहेगा जिससे वो बीजेपी और केंद्र सरकार यानी कि इन पर हमलावर हो सके, इनको कमजोर स्थिति में लाने की कोशिश कर सके। हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आज सत्र का छठा दिन है, यहाँ पर अभिभाषण का जवाब दिया जाएगा पीएम मोदी द्वारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष आज के दिन हमलावर हो सकता है। देखिए, बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण कार्रवाई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण पर निगाहें लगी है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव पर जो बहस हुई है, उस चर्चा का जवाब देना है। प्रधानमंत्री पहले लोकसभा में 12 बजे अपना बयान देंगे और उसके बाद राज्यसभा में शाम 5 बजे वो अपना बयान देंगे, तो काफी महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री का भाषण देखना ऐसे वक्त जब दिल्ली का चुनावी मुकाबला आज आखिरी चरण में। और इसके अलावा जो सीएए कानून है उसको लेकर हमने देखा है शाहीन बाग में जो प्रदर्शन रहा, और उसके चलते ध्रुवीकरण को लेकर बीजेपी नेताओं के आरोप, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस बीच प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे। माना जा रहा है कि जो राष्ट्रपति अभिभाषण में जिस तरीके से जिक्र हुआ था सीएए कानून का और बापू के सिद्धांतों को लेकर जिक्र करते हुए, वहां पर न्याय दिया जा रहा है उन लोगों को जो पीड़ित है, उन्होंने जो विभाजन हुआ था जिस तरीके से उसका जिक्र किया था, उसके बाद काफी तालियां बजी थी। हालांकि विपक्ष ने सेम सेम के नारे लगाए थे, तो ये जरूर है कि विरोध भी दिखाई दिया था। तो आज प्रधानमंत्री सीए पर क्या बोलने वाले हैं, क्या शाहीन बाग को लेकर बोलने वाले हैं, सदन के अंदर प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था कि लोकतंत्र में जो धरना प्रदर्शन उसके दौरान हिंसा होती है, वो लोकतंत्र को कमजोर करती है। तो ये जरूर है कि प्रधानमंत्री क्या नहीं बात इसमें जोड़ते हैं, क्या बात रखते हैं, इस पर निगाहें रहेंगी। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस सीए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही है। तो यहाँ पर ये जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर जो दिल्ली का चुनावी मुकाबला, इस बीच ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई पर असर डालती दिखी हैं। लिहाजा जामिया फायरिंग का मुद्दा हो, शाहीन बाग फायरिंग का मुद्दा हो, ये मुद्दे जोर शोर से उठाए गए हैं और इस पर सत्तापक्ष विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री के भाषण पर निगाहें लगी हैं कि वो क्या नया बोलने वाले हैं और किस तरीके से विरोधियों को घेरने वाले हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए प्रदीप जी। तो लोकसभा में पीएम मोदी अपना जवाब देंगे यहां पर। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देखिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव अवसर पर है, 8 तारीख को चुनाव है, सिर्फ 2 दिन का समय बाकी है। ऐसे में ना विपक्ष मुद्दों को छोड़ने की कोशिश करेगा और ना ही यहां पर केंद्र सरकार विपक्ष के मुद्दों को भुनाने की कोशिश करेगी। आप शाहीन बाग ले लीजिए, शाहीन बाग पर आप 2 तरह का स्टैंड देख रहे हैं, विपक्ष यहां पर शाहीन बाग के साथ खड़ा हुआ है, वहीं पर शाहीन बाग को यहां पर बीजेपी की अगर बात की जाए तो उसने अलग मुद्दा बनाकर पूरा सियासी समीकरण दिल्ली का फिलहाल बदल दिया है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण पूर्ण सत्र के लिहाज से।